हाय एवरीवन, एक नए वीडियो पे स्वागत है फ्रेंड्स। ये मेरे पास में एंट्रो टीवीएस का एंट्रो स्कूटर एक मेरे पास आई है। काफ़ी ज़्यादा इस क्रिटिकल प्रॉब्लम है, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, हेडलाइट तो जल रहा, लेकिन बाकी चीज़ जैसा इंडिकेटर हुआ, सेल्फ हुआ, हॉर्न हुआ, कुछ इसमें वर्क नहीं कर रहा फ्रेंड्स। तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम है मैं इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो को फुल्ली वॉच करिए, फुल वीडियो देखिए, ताकि आपको सारा चीज़ समझ पाए अस्थाई से, आराम से। और मेरा फ्रेंड्स जो मेरा चैनल में सब्सक्राइब करके रखे हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और जो फ्रेंड्स नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आनंद लीजिए फ्रेंड्स। तो गाइस, इसी तरह सामने का जो पैनल है ये खोल देना है, और उसके बाद क्या क्या चेक करना है, मैं सारा चीज़ इसको चेक करके रखा हूँ। चेक वगैरह काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा, इसमें OPD कनेक्शन भी लगाने पड़ा, स्कैन करने पड़ा, तो सारा चीज़ ये प्रॉब्लम हुआ। रिले के बताया तो फ्रेंड्स, ये रिले का ही प्रॉब्लम होता है। रिले से ही सेल्फ, हॉर्न और जो 4 इंडिकेटर है, ये सारा चीज़ वर्क करता है इसी से। और एक जो मेन रिले है इस साइड में दिया गया, ये भी रिले से सेल्फ वर्क करता है। तो फिलहाल ये ख़राब नहीं है, ये भी ख़राब नहीं है। तो मैं देखिए, ये एक रिले जो है छोटा 4 पिन वाला रिले, फ्यूज़ वगैरह सारा चीज़ चेक कर लिए। फ्यूज़ भी चेक करना है आपको, ये सारा चीज़ जो जो दिखा रहे हैं ये चीज़ आपको चेक करना है। तो देख पा रहे हैं मेरा हाथ में फ्यूज़ है, सॉरी फ्यूज़ बता रहे जल्दी क्या हो रहा है। ये देख पा रहे हैं, ये रिले 4 पिन का रिले है, 8 यहाँ पे दिखा रहा RPM, देखिए टेम्परेचर बताएगा 180, ये भी 180 है। दोनों रिले मैं खरीद के ले आऊँ, जो इसका पुराना वाला रिले है ये फेंक चुका, मतलब इसको प्रॉब्लम सॉल्व के लिए रिले खरीदना पड़ा, तो रिले से भी इसका काम नहीं हुआ। तो इसको फ्रेंड्स कहाँ प्रॉब्लम है मैं इस चीज़ में बताऊँगा इस वीडियो को। लेकिन आप लोग को पहले सारा चीज़ इसको चेक करना पड़ेगा आपको, रिले, फ्यूज़, सेल्फ, मेन रिले, वायरिंग का, बैटरी का, सारा चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा। और उस साइड में जो इश्यू दिया हुआ, यहाँ पे इश्यू दिया हुआ फ्रेंड्स, यहाँ जो देख पा रहे हैं इश्यू, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि खोले नहीं है, इसलिए आप लोग देखिएगा। इश्यू का प्रॉब्लम अगर होगा तो यहाँ से स्कैनिंग कर सकते हैं, तो मैं स्कैनिंग पहले से करके रखा हूँ कि इश्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है आप लोग को फ्रेंड्स आएगा, तो इस वीडियो देख करके आपको बहुत हेल्प होगा। तो वीडियो फुल वॉच करिए, फुल देखते रहिए, ताकि आपको सारा चीज़ आपको समझ में आए। तो फ्रेंड्स इसका ऐसा, ये जो यहाँ पे ये रिले अगर कैसे काम करता है, इसके ऊपर मैं आपको वीडियो चाहिए तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में नीचे में कमेंट करिए, मैं इसका रिले कैसे फुल डायग्राम मतलब चेक करना है ये चीज़ मैं बता दूंगा। तो फिलहाल ये जो इसमें स्विच टर्मिनल है, ये दोनों स्विच टर्मिनल है, ये न्यूट्रल है, इसमें कॉइल लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें तो इसमें हुआ कैसे, पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, इसका इश्यू से कनेक्ट है, अदरवाइज बॉडी पे कहीं कनेक्ट नहीं है न्यूट्रल तार। तो इसी तार में आपको अर्थिंग दे देना है, अर्थिंग देने के बाद में सारा चीज़ वर्क करने लगेगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो पहले इसको फिलहाल बिना अर्थिंग के मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ नहीं काम करेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये इग्निशन ऑन हो गया, तो ये देखिए 4 इंडिकेटर मैं दे दिया हूँ, देखिए वर्क नहीं कर रहा, जल ही नहीं रहा, और देखिए हॉर्न भी नहीं बज रहा, ये कुछ काम नहीं कर रहा। बट इसमें खाली किक से स्टार्ट हो जाएगा, किल स्विच ये काम कर रहा और हेडलाइट वर्क करेगा, ये सारा चीज़ वर्क करेगा, हेडलाइट और स्टार्टिंग, बाकी इंडिकेटर, हॉर्न, सेल्फ कुछ नहीं काम करेगा, सिर्फ एक तार के लिए। तो रिले भी ख़राब होता है, तो आप लोग चेक कर लेना अगर रिले कोई दूसरा जैसे हम खरीद के लाए थे कि रिले का प्रॉब्लम इसमें निकला नहीं। तो फ्रेंड्स सारा चीज़ ये चेक करने के बाद में, ये जो अर्थिंग मैं लगा के रखा हूँ इसको बॉडी में टच करने के बाद में ये दिखाएगा, मैं टच करता हूँ। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे फिलहाल मैं नेगेटिव बैटरी में दे रहे हैं, देखिए काम करने लगेगा, इंडिकेटर जो काम कर रहा है, मतलब ये सेल भी काम कर रहा है, सेल मार के दिखाई दे, हॉर्न भी काम कर रहा, सारा चीज़ वर्क कर रहा, देख पा रहे हैं। अभी इसको हटा देते हैं, देखिए बंद हो गया, गाड़ी को बंद कर लीजिएगा और फिर से ऑन करिए, अब सेल मारिए, देखिए कुछ नहीं ले रहा, जब इसको यहाँ सटाएंगे तो सारा चीज़ वर्क करने लगेगा,
देखिए यहाँ पे सड़ा है, तो फिर सेल मारिए एक बार। तो गाइस आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख के कुछ समझ पाए होंगे। तो मेरा वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब की रेफरेंस, और नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।